हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम ब्रोज रिएक्शंस। गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं, एक्चुअली रिएक्ट नहीं, हम गेस करने वाले हैं कि कौन सा सिंगर बड़ा है। चैलेंज मतलब ये चैलेंज है, मतलब एज में। हाँ, या एज में। तो ये पाकिस्तानी सिंगर्स है और हमारे सामने दो सिंगर्स के फोटोज आएंगे और हमें फोटोज देखकर गेस करना है कौन से सिंगर की एज दूसरे सिंगर से ज्यादा है। नाइस यार, अच्छा। हमेशा की तरह ये वीडियो थिंकिंग ब्रेन की तरफ से। इस तरह के चैलेंजेस आपको खुद को भी करना है तो थिंकिंग ब्रेन पे जाओ, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आपको मिल जाएंगे तो वहां पर आप सब कर सकते हैं। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। हमारा स्कोर बोर्ड भी आपको यहाँ पर ऊपर दिख जाएगा, तो चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले हम दोनों। देखते हैं किसका कितना स्कोर होता है। रेहान जीतेगा मेरे ख्याल से, पता नहीं, देखते हैं। वैसे आप हम दोनों में से गेस करो कि कौन बड़ा है, गेस करो और कमेंट करके बताओ। वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं। हाँ, बस ये बात, वो सोच समझ के कमेंट करना। हाँ, ये हम पहले बता रहे हैं, आपको एक क्लू दे रहे हैं। हाँ, चलो शुरू करते हैं। हियर वी गो। थिंकिंग ब्रेन। गेस हु इज ओल्डर, पाकिस्तानी सिंगर। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गो। ओके, उमर जायसवाल। मुझे देखकर लग रहा है कि फरहान सईद सिमिलर ही लग रहा है मुझे तो। मुझे लगता है फरहान सईद की एज ज्यादा है देखने में तो। बता बता जल्दी, चेहरे के हिसाब से फरहान सईद। चेहरे की जो वो है 36। चल ठीक है, सही है यार। नहीं, क्योंकि वो मैच्योरिटी ज्यादा दिख रही है ना। हाँ, थोड़ी सी 2 साल ज्यादा पर दिखती है मैच्योरिटी। फरहान सईद ओल्डर। नंबर 2। ओके, क्या बहुत फेमस सिंगर्स के इन्होंने फोटो डाले हैं। अमानत अली एंड असीम अजहर। आई थिंक अमानत अली, आई थिंक असीम अजहर। असीम अजहर पर अभी चलो देखते हैं। टडन टडन टडन, देखते हैं। और अच्छा, ओल्डर गेस करना है ना। ओल्डर गेस करना, मैं हु इज यंगर समझ गया। चीटिंग नहीं चलेगी। चलो मैं इसमें हार मानता हूं, लेकिन मैं सच में यंगर समझा था कौन यंग है। तो पहला कैसे जीत गया? हाँ, भाई मेरे माइंड में पता नहीं क्या ही चल रहा था। क्या है कुर्तलैन बलोच? ये तो न्यू सिंगर है। जबोनिसा बंगेश, आई थिंक ये होगी। ये ओल्ड है। हां, बंगेश आई थिंक, बिकॉज़ कुर्तलैन बलोच नाम बड़ा अच्छा है। मुझे यहाँ पर लग रहा है फलक शब्बीर। फलक शब्बीर मुझे भी यही लग रहा है। यस 34। बाकी ज्यादा फर्क इतना ज्यादा नहीं है दोनों की एज में, 2-3 साल। उन्होंने चश्मा भी पहन रखा था ना, तो उससे भी हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। आंखों से भी पता चलता है ना, क्योंकि अभी तक तो 100% जा रहा हूँ मैं। मैं भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पीछे रहा हूँ। शहजाद रोए और अबरारुल हक। अबरारुल हक भी बहुत पुराने सिंगर है और शहजाद रोए के बारे में सुना नहीं है, पर अबरारुल हक यंग बहुत लग रहे हैं। अबरारुल हक शहजाद रोए के मुकाबले। हाँ, बट फिर भी मैं अबरारुल हक को सिलेक्ट करूंगा, बिकॉज़ हमने इनके बहुत पुराने गाने सुने हुए। आई थिंक अबरारुल हक, शहजाद रोए भी हो सकते हैं, बट अबरारुल हक 52 यार, बिल्कुल नहीं लगते 52, बिल्कुल नहीं लग रहे। सिलेक्ट जरूर अबरारुल हक का किया था, लेकिन हम सोच ही रहे थे कि हम गलत निकलने वाले। मैंने तो पहले ही बोल दिया था मैंने अबरारुल हक को सिलेक्ट किया, पर बाकी यार 52 बहुत यंग से भी नहीं लगते हैं। बाकी यार इनके कितने पुराने गाने सुने हैं यार। हाँ, वही तो है, इतने पुराने, इतने ओल्ड तो होंगे। अरे यार, ये तो कॉम्पिटिशन दे दिया इन्होंने। मोमिना मुस्तहसन एंड आयमा बैग, हु इज ओल्डर? मुझे लग रहा है मोमिना। पिछली बार कौन था? पता नहीं, मोमिना मुझे लग रही है इनसे बड़ी है। आयमा पे जाऊंगा। मोमिना
मैं आगे निकल गया, हम टाइड हैं। बट मोमिना बहुत यंग लगती है। यस शी, पर यहाँ पर टाई हुआ है अपना। हाँ सेम स्कोर हो गया ना, अभी तक सेम है स्कोर अपना और फुल ऑन स्कोर चल रहा है। नंबर सेवन, ओके, साहिर अली बग्गा, राहत फतेह खान, नो डाउट राहत फतेह अली। हाँ राहत फतेह अली खान ही है ऑब्वियसली यार, पता चले पर कुछ भी हो सकता है। हमने सिलेक्ट जरूर राहत फतेह अली खान को किया है लेकिन कुछ भी हो सकता है, बट आई थिंक राहत फतेह अली खान होना चाहिए, नो डाउट। मुझे भी लग रहा है राहत फतेह अली खान ज्यादा एज होनी चाहिए। हाँ बट ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है। ओ माय गॉड, ये उनसे अब्राउल हक से भी छोटे हैं। हाँ यार फिर, बट इनके हेयर लॉस की वजह से ऐसा लगता है ना यार। हाँ ये बात है, इनकी आवाज तो कितनी यंग है आज। हाँ, भी वो अपन ने क्या चोट खाई थी ना। हाँ ये तो किसी नए सिंगर की आवाज लग रही है। हाँ आतिफ और बिलाल सईद, मुझे लगता है आतिफ असलम बड़े हैं थोड़ा, मुझे भी लगता है। आई थिंक आतिफ असलम, आतिफ असलम को हम 2000 से सुन रहे हैं शायद, और बिलाल सईद को हमने शायद 2005-7 में सुना था। बाकी बिलाल सईद भी काफ़ी पुराने सिंगर है, पर एज गेस नहीं कर सकते। 37 सही है। क्या बात है, नाम पे हो रहा मार्च, कितना अच्छे से जानते हैं अपन पाकिस्तानी सिंगर्स। सिंगर्स को तो खास करके भाई। हाँ बस सिंगर्स भी हम दो तीन को ही जानते थे ज्यादा, तो अब तो सब लगभग इन सभी को जानते हैं। ओ ये कौन है, मीशा शफी एंड अधिका शफी, मीशा ही लग रही है मुझे, मीशा शफी लग रही है मुझे, पर इनकी भी आंखों से इनकी भी एज तो ज्यादा लग रही है, ज्यादा लग रही है मुझे इनकी भी एज, पर मैं मीशा को ही लेता हूँ। मीशा में भी क्योंकि इनका मेकअप कुछ ज्यादा किया। बोला था ना लग तो ये भी बड़ी रही है, मेरा भी दिल बोल रहा था बट लुक से निकल गया को देखते हुए। हाँ उनका मेकअप भी ज्यादा था, ओवरऑल कंफ्यूज हो गया था, कंफ्यूज कर दिया था कि उन्होंने कब मेकअप किया, तो हो सकता है कि मेकअप इसलिए किया हो कि एज छुप जाए, इसलिए हो रहा। ओ तेरी, अब होगा तगड़ा कॉम्पिटिशन। आरिफ लाहौर लोहार एंड अताउल्लाह खान, सल ज्यादा चेहरे पे आई थी इनका नाम जो है, मुझे भी लग रहा है अताउल्लाह खान, अताउल्लाह खान ही लग रहे हैं मुझे भी, ओल्डर। बाकी कुछ भी हो सकता है भाई, सल तो कम उम्र वालों को भी आ जाते हैं। अताउल्लाह खान ही लग रहे हैं। 69 54, क्लियरली पता चला। नाइस गेस, बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसलिए पता चला, स्कोर सेम ही चल रहा है अपना तो। हां हु इज ओल्डर देन आरिफ लाहौरी, लोहार लोहारी। हाँ लोहार है, सॉरी लाहौर तो हमारा दोस्त है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो सो टू मिस्ड आउट, एक तेरा और एक अपन दोनों का मिल गया, एक मेरा गलत था, एक इसका गलत था, और एक हम दोनों का गलत था। तो ओवरऑल 11 फोटोज थे, 12 राइट, 10 थे शायद, आई थिंक 11 फोटोज थे, और 11 फोटो में से हम लोगों ने कितने पे दिया, 10 थे ना, 10 में से हमने 2 गलत दिए, 7 दिए, 7 सही दिए, 3 गलत दिए, 2 गलत दिए बस। हाँ 2 गलत दिए। अरे तो सही है, एग्जैक्टली किसी ने तो बताया ना, एक में तूने गलत, 2 गलत दिए। हाँ तो 8-8 स्कोर हम दोनों का हुआ है। हाँ, 8-8 आपको तो ऊपर दिख ही रहा होगा, बट हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि हम लाइव बना रहे हैं, वीडियो बना रहे होते हैं, तो हमें पता नहीं होता है क्योंकि हमारे सामने तो मीटर लगा नहीं है कि भाई जब एडिटिंग करेगा तब दिख जाएगा स्कोर, तो ये करेक्ट स्कोर ऑब्वियसली आपको ऊपर दिख जाएगा, बट हाँ 8-8 ही है स्कोर, सेम ही है, तो यहाँ पे कोई भी कोई लॉस नहीं है, लूजर नहीं है, टाई हो गया है। बाकी आप लोगों का स्कोर क्या है कमेंट करके जरूर बताना, हमें तो पता चले कि आप ईमानदारी से बता देना भाई, पता चले वीडियो देखने के बाद सही सही हम 10 out of 10 है भाई वो, बिल्कुल। और हमारा जो एज का है वो आपको बताना है। हाँ हमारी एज का भी बताना, कौन किससे बड़ा और कितने इयर्स का एज गैप होगा, ये इंटरेस्टिंग रहेगा, बड़ा तो हो सकता है आसानी से बता दे या नहीं भी बता पाए, कितने इयर्स या कितने मंथ का एज गैप है, कितने मंथ या कितने इयर्स का गैप हमारे बीच में हो सकता है, 1-2 साल। वैसे ये चैनल ना हम ये वीडियो ना सॉरी ये क्वेश्चन ना हमने बहुत लगभग 3 साल पहले अपन लाइव आए थे, तब हमने एक तब पूछा था, लाइव पूछा था, और पब्लिक ने लाइव आंसर भी किया था, पर अब वो बताएंगे नहीं हम, अब कहीं आप लोग हमारे लाइव वीडियोस ना ढूंढने लग जाना लेना यार। बाकी यार बेईमानी ना करो, ईमानदारी से जो दिल में आ रहा हो बोल दो, अच्छा लगेगा हमें, ठीक है। सो गाइस आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो करना वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज कर देना,
और अब हम 550K की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से। तो सब्सक्राइब करते जाओ और हमें आगे ले जाते जाओ, आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे जा रहे हैं। तो आप लोग के सपोर्ट के बिना तो हम आगे जा नहीं सकते, तो सब्सक्राइब तो पक्का कर देना। सो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।